नमस्कार दोस्तों फैंटेसी स्पोर्ट्स प्रोफेसर के चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में हम देखेंगे फैंटेसी टिप्स एंड बेस्ट ड्रीम इलेवन कॉम्बिनेशन फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस इस्तानबुल बसाकशीर चैंपियंस लीग का ये मैच आज रात में डेढ़ बजे से है जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों ये ग्रुप एच का मैच है मैनचेस्टर यूनाइटेड टेबल के टॉप पोजीशन पर है छः पॉइंट्स के साथ बिकॉज इनका गोल डिफरेंस काफ़ी बेटर है इस्तांबुल बासाकेशर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को हराया था जो कि उनकी ऑल एकमात्र विक्ट्री थी और वो तीन पॉइंट्स पे है फोर्थ पोजीशन पे बिकॉज इनका गोल डिफरेंस भी सबसे लीस्ट है इस पर्टिकुलर गेम में दोस्तों मैनचेस्टर यूनाइटेड पक्का पक्का बदला लेने की एक उम्मीद से आएगी बिकॉज काफ़ी इनके लिए इनके लिए काफ़ी शॉकिंग रिजल्ट रहा था जब ये इस्तांबुल में हार गए थे बट सच इज द स्पोर्ट सच इज फुटबॉल यू कैन नेवर से कि ये रिजल्ट पॉसिबल नहीं है अगर आप देखोगे दोनों दोस्तों दोनों टीम्स की परफॉर्मेंस पिछले पांच गेम्स की दोस्तों तो यूनाइटेड हैज़ वन थ्री ऑफ दोस गेम्स दो गेम हारी है एक आसमिन के अगेंस्ट हारी थी प्रीमियर लीग में और दूसरी इस्तानबुल के अगेंस्ट हारी थी अवे फ्रॉम होम चैंपियंस लीग में टू वन से बासकेश्र की बात करें तो ये पिछले पाँच गेम में से तीन बार जीती थी अगर आप देखते हो लगातार तीन विक्ट्री थी दो सुपर लीग में और एक चैंपियंस लीग में पर इसके बाद से एक फ्रेंडली हार हार चुके थे और पिछले गेम वीक में बेसिक टॉस के अगेंस्ट ये थ्री टू हार गए थे अवे फ्रॉम होम कुल मिलाकर इन पाँच गेम में अगर आप देखोगे जीरो क्लीन शीट्स बट नाइन गोल्स कोर्ट गोल्स कंसीडर की बात करें तो इन्होंने कुल मिलाकर नौ गोल्स कंसीड भी करे हैं यूनाइटेड की बात करें तो पिछले पाँच गेम में अगर आप इनका होम फॉर्म देखोगे दे हैवन द लास्ट सिक्स होम गेम्स इन यूरोपियन कॉम्पिटिशन और एग्रीगेट स्कोर रहा है ट्वेंटी वन इसमें से हालांकि एक चीज ये है कि केवल फाइव नेल वाली जो लेब्जिक की विक्ट्री थी वो इस साल की चैंपियंस लीग में आई है पहले वाली सारी यूरोपा लीग की थी बट 21 का एग्रीगेट है इनका लास्ट सिक्स होम गेम्स का इन यूरोपियन कंपटीशन, विच मीनस बहुत तगड़ा खेलती है घर पे स्पेशली इन यूरोप पर इनकी वीकनेस ये है कि ये पिछली चार गेम में से तीन बार ये टर्किश के सामने हार चुकी है यूरोपियन कॉम्पिटिशन में दिस विल डेफिनेटली प्ले ऑन ऑन द बैक ऑफ देयर माइंड बट अगेन इट्स अ न्यू डे इट्स अ न्यू गेम एंड दे वुड वॉन्ट टू गो हेड एंड विन बस एक अशियर की अगर आप पिछली चार गेम देखोगे हर गेम में तीन या उससे ज्यादा गोल्स कंसीड हुए हैं स्कोर हुए हैं इस गेम में भी गोल फेस्ट हो सकता है expecting United to score at least टू to गोल्स goals, if not less. Basakeshir might still find the back of the net because last time भी अगर आप देखोगे Ba, Turaj वगैरह ने काफी अच्छी गेम खेली थी और स्कोर शायद कर सकते हैं United यूनाइटेड डिफेंस द एंड ऑफ द डे दोस्तों vulnerable है अपनी लास्ट बारा competition मैचेस across competition में United केवल तीन में हारी है वो तीन recent में आई थी जैसे आपने देखा था आसमी की अगेंस्ट थी और इस्तानबुल की अगेंस्ट थी एंड इस्तांबुल हैज मैनेज टू विन ओनली वन ऑफ दिय लास्ट सेवन मैचेज इन चैंपियंस लीग उनके लिए इस गेम में भी कुछ दर इज नथिंग टू लूज

पैशन करते हैं ताकि आपकी सहायता कर सके बट डू नॉट ब्लाइंडली फॉर आर टीम्स इज माई रिक्वेस्ट टू यू अब बात करते हैं एक्सपेक्टेड इलेवन की दोस्तों यहाँ पे अप्रंट वी आर एक्सपेक्टिंग बिकॉज मार्शल हैज़ नॉट बीन सीन विद द स्क्वाड स्क्वाड के साथ नहीं है तो नॉट एक्सपेक्टिंग आईदर ऑफ देम टू स्टार्ट कवानी का साथ देंगे एंड दे शुड कंटिन्यू ने वीकेंड पर अच्छा वी डीडी जी और में से एक बंदा स्टार्ट करेगा लुक्स लाइक हेंडरसन टू लास स्टार्ट लास्ट गेम में स्टार्ट करती थी एंड मे बी कुटेन हिस्स प्लेस इन द इलेवन इसकी बात करें तो ऊपर विस्का बाह और ट्रुच ये तीनों स्टार्ट करेंगे अगेन ऑल थ्री आर एक्सलेंट प्लेयर ट्रस्ट मी दोस्तों इनको आप कोशिश करना पिक करने की

टॉप कैप्टनसी ऑप्शन नो डाउट मार्कस रेसवर्ट अगेन अ ब्रिलियंट फेलो टू गोल्स टू असिस्ट सोफार एंड शुड डेफिनेटली बी इन योर टीम मकवायर वैन बिसाका दोनों डिफेंडर्स है दोनों को एक एक गोल आ चुके हैं अब तक माटा बहुत ही ब्रिलियंट मिडफील्डर है डोंट एक्सपेक्ट एम टू बी अ फेलो हु स्कोर हैट्रिक और टू गोल्स एक्सेट्रा बट ही विल डेफिनेटली भी इन्वॉल्व इन द गेम इनका असिस्ट आ सकता है कहीं कबार गोल भी आ सकता है सो कुड डेफिनेटली बी अ फेलो टू वॉच आउट फॉर इन दिस पर्टिकुलर गेम कवानी विल ऑल्सो स्टार्ट दिस गेम अब तक इन्होंने गोल स्कोर करा नहीं है बट डेफिनेटली वॉच आउट फॉर दिस गाय बिकॉज Because uh, he's not scored a goal in Premier League, so definitely watch out for this guy. Because once he's is gonna start today, कोशिश पूरी रहेगी कि वो एक uh, memory छोड़के जाएं uh, for the fans and uh, you know for all all those people cheering from home. So we will definitely back him to be a big guy. हमने फिलहाल उसको pick नहीं कराया जैसे आप देखोगे हमारी suggested 11 team में. We've gone ahead with Rashford, Vizca and Ba. अगर आप चाहो तो you can drop Demba Ba. बिकॉज उसका लीग फॉर्म इतना बेहतर है अगर आप देखोगे टर्किश लीग में जो खेल रहे हैं इतना बेहतर नहीं खेल रहे हैं यू कैन ड्रॉप डेम्बाबा गेट कवानीयर आई टेल यू यूनाइटेड इफ यू वॉन्ट टू डू दट राजट एंड विस्का बोथ आर गुड कैप्टनशी वाइस कैप्टनशी ऑप्शन विस्का प्राइमरी कुड भी अ वेरी गुड ग्रैंड लीग अगर आपको लग रहा है कि इस्तानबुल फिर से शॉक कर सकती है यूनाटेड को या स्कोर कर सकती है डेफिनेटली बैक विस्का टू बी द गोल स्कोर एंड आपका अच्छा कैप्टनशी वाइस कैप्टनशी ऑप्शन भी बन सकता है फ्रॉम अ ग्रैंड लीग परिव स्म लीग में की स्कोर लाइन से अगर आप जा रहे हो तो आप विस्का को वाइस कैप्टनशिप भी दे सकते हो हमारे केस में वील प्रेफर टू टू गिव इट ब्रूनो फर्नांडिस एंड मोस्टली बाकी तो डिपेंड करेगा कि लाइनअप क्या आती है मिडफील्ड में माटा फ्रेड ट्रुच और फर्नांडिस ये चार प्लेयर्स को लिया हुआ है हमने चाहिए तो आप माटा को ड्रॉप कर सकते हो आगे कवानी को ले सकते हो और वहां पर डम्बा पाकर ड्रॉप करके यहाँ पे कावेची ले सकते हो सो देन योर अप फ्रंट विल लुक लाइक रैशफर्ड विस्का एंड कवानी मिडफील्ड में यू विल फाइंड फ्रेड टूज फर्नांडिस एंड कवाची बजट का एक बार देख लेना आई एम नॉट रीली श्योर इन टर्म्स ऑफ हाउ दिस विल फिट बट दैट इज वन कॉम्बिनेशन दैट यू कैन डेफिनेटली ट्राई डिफेंस में वी गॉन विद गुनक मकवाया टेलिस वैन बिसाका जिसमें से वैन बिसाका इज अ गुड कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी ऑप्शन अगर दोस्तों को लगता है कि क्लीन शीट आएगी सो टू स्कोर लाइन वी आर चेजिंग टू वन विच वी बिलीव कुड बी द के केस बिकॉज यूनाइटेड कच शायद कर जाएगी भले ही वीकेंड पर वैशब्राउंड के अगेंस्ट क्लीन शीट रख गए थे बट इनके लिए हमेशा एक डाउटफुल रहता है कि ये डिफेंस वल्नरेबल है अगर आपको चेस करना है टू नेल का स्कोर लाइन काम करना माटा को ड्रॉप करके एक और डिफेंडर ऐड कर लेना और फिर वहां पे आप डिफेंडर को सी या वीसी भी बना सकते हो जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारी सैम्पल टीम है फाइनल टीम नहीं है आपके लिए एक ये डायरेक्शन मिलता है इससे बट आपको फाइनली यही टीम कॉपी नहीं करनी है खुद की टीम बनानी है खुद की रिसर्च करनी है दिस इज ओनली टू एनेबल यू प्लीज़ रिस्पॉन्सिबिली खेलिएगा दोस्तों ज़्यादा इन्वेस्ट uh, मत कीजिएगा दिस इज़ नॉट अ मोड ऑफ इनकम दिस इज ओनली फॉर फन दैट वी डू दैट यू शुड डू इट इवन वी डू दिस प्योरली एज आर पैशन सो प्लीज़ उसको ध्यान रखते हुए आप आगे अपनी इस नॉलेज को यूज़ कीजिएगा यदि आपको वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम जल्द मिलेंगे आपसे कई और क्रिकेट और फुटबॉल गेम्स की एनालिसिस के साथ धन्यवाद